आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को कैसा देखते हैं, क्या तैयारियां हैं आप? देखिए, हमारी तैयारी तो 2 वर्ष पहले से ही चल रही है, जब से हम चुनाव जीते हैं, और लगातार मैं जनता के बीच में हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ। मैं एक आध दो दिन के लिए कहीं बाहर जाता हूँ तो फिर, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर वापस जनता के बीच में रहता हूँ, और लगातार तैयारी हमारी है। लेकिन अभी दूसरे दलों से पूछो उनकी तैयारी क्या है क्या नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। जिस दिन से चुनाव होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हमारे विकास का है, विकास का मुद्दा है। अब 2 साल में आपने देखा होगा रामपुर में क्या क्या हो गया और क्या हम कराने जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ जो इतने काम हो गए कि किसी सांसद ने, पिछले जो सांसद रहे 10 साल में, वो काम नहीं करा पाए जो 2 सालों में हो गए। क्या क्या हुआ? देखिए, शाहबाद से लेकर और बाजपुर तक की रोड होने जा रही है, क्योंकि एकदम तो नहीं हो पाता कोई काम, स्वीकृति है, पैसा मिल गया, टेंडर हो गए, सब कुछ हो गया उसका, लेकिन समय लगेगा अभी बनने में भी। मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर की सड़क है, वो तो बनने में भी 1-2 साल लग ही जाएंगे उसको। ऐसे भैया नगला का पुल है, मदारपुर का पुल है, और अपना क्या नाम है, मिलक का पुल है, ओवरब्रिज है, तो ये बहुत सारे काम है कि कम समय में और अच्छे काम हुए हैं। फैक्ट्रियों की मांग है, बेरोजगारी बहुत थी रामपुर में। नहीं, फैक्ट्री भी लगी हैं, हमारे विधायक जी उसमें, जो शहर विधायक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और लगे हैं फैक्ट्रियों के उसमें, और हम भी लगे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से एक मॉल भी बनने जा रहा है, कुछ फैक्ट्रियाँ, कुछ चीपर वगैरह जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो भी लगी हैं, और छोटे मोटे उद्योग भी जिसमें राइस मिल वगैरह हैं वो भी लगे हैं, तो रोज़गार मिल रहा है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पर्यटन विभाग को ये लिख के दिया है कि रामपुर भी पर्यटन विभाग में जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ से हमारे जब नैनीताल का जो रास्ता है रामपुर होके जाता है, और रामपुर से जब पर्यटन निकलता है तो मैं चाहता हूँ यहाँ ठहरे, जब ठहरेगा तो होटल भी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ठहरने के बाद में हम बहुत कुछ ऐतिहासिक जगह है, जैसे एक किला है, राठौड़े का मंदिर है, और आपका भमरुआ का मंदिर है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो यहाँ पर ठहर के आदमी देख सकता है। क्या होगा 24? 24 में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, जिसमें एक रामपुर भी है, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। 80 सीटें हम पार्टी ने मन बनाया हुआ है कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं, और एक तरफा 24 में माननीय मोदी जी को यहाँ से 80 की सीटें जिता के भेजेंगे, क्योंकि जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। अब विपक्ष कुछ भी कहता रहे, विपक्ष तो कई गठबंधन करता है, और गठबंधन तो अभी बहुत दूर है, अभी तो जो अपने पहले रणनीति बनाई थी बैठ के कर रहे थे ये लोग, तो मैं समझता हूँ बैठ के भी पूरी नहीं हो पा रही अभी तो कोई, और आपस में सिर्फ फुटओवर शुरू हो गई अभी से, कोई चुनाव कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, वो उसे गाली बक रहा है, वो उसे गाली बक रहा है, ये स्थिति है। मैं समझता हूँ भूमिका हो ना हो, लेकिन पहले भी गठबंधन हुआ इन लोगों का, पहले बसपा भी उसमें थी, गठबंधन में थी, कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, तब 2019 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, और अब भी गठबंधन करें ना करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और हम ये नहीं सोचते कि हमारे सामने कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन पार्टी रहेगी नहीं रहेगी, ये उनका विषय है, लेकिन हम 24 के लिए बिल्कुल तैयार हैं।